सुप्रभात, मैं रश्मि स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल डाले गए वोट, प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी सांसदों और विधायकों ने डाले वोट। संसद के मॉनसून सत्र का हुआ आगाज, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। हरियाणा के रोहतक में एमआईटी इंडस्ट्रियल एरिया में शिव ऑटो कंपनी में ब्लास्ट, हादसे में दो लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। कांग्रेस नेता अजय माकन की हाईकोर्ट में याचिका, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत की चुनौती। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। हेलंग घाटी से घास ले जाती ग्रामीण महिलाओं का चालान, वन मंत्री ने दिए जांच के आदेश। परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई हुए बहाल, जांच में मिली क्लीन चिट, सीएम धामी ने किया था सस्पेंड। टिहरी में शहीद प्रवीण सिंह गुंसाई के परिजनों से मिले सीएम धामी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की तबीयत फिर बिगड़ी, देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती। केदारनाथ में सावन के पहले सोमवार पर उमड़े शिव भक्त, हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।